गली में फैल रहा स्वच्छता का उजियारा है। शौचालयों ने सोच है बदली, अब सारा आकाश हमारा है। अब सारा आकाश हमारा है, अब सारा आकाश हमारा है। सपना नहीं सच्चाई है, बिजली हमारे घर आई है। अंधेरे में भी जगमग रात है, अंधेरे में भी जगमग रात है। बताती क्यों नहीं, क्यों नहीं जाना चाहती हो स्कूल? पढ़ लिख जाएगी तो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। देखती है अपनी अम्मा को, अनपढ़ है, कुछ भी ना कर पाई। मुझे नहीं जाना स्कूल। पर क्यों नहीं जाना स्कूल? तू बता सयानी, क्यों नहीं जाना बेटिया स्कूल तुझे? मैं नहीं जाना चाहती स्कूल। पर बेटा क्यों नहीं जाना चाहती स्कूल? क्या तुमने स्कूल का काम पूरा नहीं किया? क्यों, क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है या फिर कोई तुम्हें तंग करता है? यदि कोई बात है तो बता हमें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए नहीं जाना चाहती स्कूल क्योंकि हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है। शौचालय? छोटे छोटे बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे बाहर जाने में शर्म आती है। मेरी सहेली सीमा और बबीता वो तो अपने चाचे के घर चली जाती है, मुझे रोज रोज उनके घर जाने में अजीब लगता है। कौन बुलवाएगा शौचालय? ये सिर्फ सयानी की बात नहीं है। सयानी, रानी, बिमला, कमला, देश की लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूलों में शौचालय न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते शौचालय न होने के कारण विद्यालय में आने से थोड़ा हटती हैं, पीछे हटती विद्यालय आने से। बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता था जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बहुत सी बच्चियां जो बड़ी हैं विद्यालय आने से कतराती भी थी। माँ को टॉयलेट, जब टॉयलेट्स नहीं थे तो हमें बहुत परेशानी हुआ करती थी। जब दोपहर को हम स्कूल से चले जाते थे तो लेसन्स क्या पढ़ाया वो हमें पता ही नहीं चलता था। हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। ऊर्जा परिवार की तरफ से मैंने ये विश्वास दिलाया है देश को, प्रधानमंत्री जी को, कि ऊर्जा परिवार 1,00,000 शौचालय स्कूलों में बनाएगा अगले 9-10 महीनों में। इन तमाम लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने और स्कूल भेजने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है REC ने। REC यानी विद्युत क्षेत्र की नवरत्न कंपनी, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है और उसका निर्वाह करती है। REC ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत गांवों के स्कूलों में शौचालय बनवाने का फैसला किया ताकि लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा जा सके और उनकी प्रतिभा को नए पंख दिए जा सके। टॉयलेट का निर्माण बहुत जरूरी था, टॉयलेट चाहिए था स्कूल में, ये बच्चों के हेल्थ एंड हाइजीन का इशू है। REC ने ये महसूस किया कि गांवों के स्कूलों में शौचालय का निर्माण लड़कियों को स्कूलों में आने के लिए प्रेरित करेगा। हो गांवों की अब हवा है बदली, दूर हुई है दुख की बदली। स्कूलों में बन रहे शौचालय, रोशन हुए देखो भी।
विद्यालय बदलाव का ये नया एक इशारा है, अब सारा आकाश हमारा है। हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी ने निर्देश दिया कि हमें स्वच्छता अभियान से जुड़ना है। उनके निर्देश अनुसार आरईसी को 10,000 टॉयलेट बनाने थे। इसमें हमने सारा कार्य अपनी सब्सिडियरी कंपनी आरईसी पीडीसीएल को दे दिया था और उसने बड़ा बखूबी ये कार्य समय पर पूरा किया है। एक नई पहल की शुरुआत हो चुकी थी, स्कूलों में शौचालय बनने का काम शुरू हो गया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उनके सामने मुश्किलें और चुनौतियां थीं, लेकिन आरईसी ने अपने हौसले और हिम्मत से इन चुनौतियों का सामना किया। स्वच्छ विद्यालय अभियान के लिए देश के 6 राज्यों को चुना गया, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब के गांव। 6 राज्यों के जिन जिन स्कूलों में शौचालय बनाए जाने थे उन्हें चिन्हित किया गया। काफी विचार मंथन के बाद यह तय किया गया कि गांव में 2 तरह के शौचालय बनाए जाएंगे, पहले से ही तैयार टॉयलेट्स और निर्मित टॉयलेट्स। जैसे जैसे शौचालयों का निर्माण होने लगा, आरईसी द्वारा इनकी उचित निगरानी की जाती रही। आरईसी के अधिकारी नियमित रूप से काम की प्रगति का लेखा जोखा रखते रहे ताकि शौचालयों के निर्माण में कहीं कोई गड़बड़ी न हो। आरईसी के अधिकारियों ने अपनी मेहनत और लगन से स्वच्छ विद्यालय अभियान को बदस्तूर जारी रखा। शौचालय निर्माण के इस कार्य को हमने 8 भागों में बांटा और 8 भागों का ही वेब पोर्टल पर निरंतर फोटोग्राफ्स भेजते रहे। प्रोग्रेस माइलस्टोन इनकी हमने निरंतर ही निरीक्षण किया। ये एक ऊर्जा मंत्रालय ने वेब पोर्टल बनाया था। इस कार्य के लिए हमने 250 इंजीनियर्स एम्प्लॉय किए, दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ की, प्रीफैब भी यूज़ की और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी यूज़ की, और समय सीमा में रहते हुए हमने कार्य को पूरा किया। आरईसी ने थामी प्रगति की डोर है, गांव गांव देखो अब हो रही नई भोर है। मकसद नहीं अपना कुछ और है, सिर्फ एक कदम स्वच्छता की ओर है। स्वच्छ रहे भारत ये संदेश हमारा है, अब सारा आकाश हमारा है। एक बड़ा अभियान, एक बड़ा सपना आकार लेने लगा था। आरईसी ने शौचालय निर्माण की जवाबदेही और क्रियान्वयन के लिए ई गवर्नेंस पर भरोसा किया। इस पूरे कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल तकनीक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। निर्माणाधीन शौचालयों के फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बनाया, स्टेट वाइज भी बनाया। स्टेट लेवल ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स, हमारे इंजीनियर्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उनको यूज़ किया। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई तो वहाँ के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर्स की भी, उनके ऑफिस का हमने उनका रिक्वेस्ट किया, उनसे काम लिया और समय रहते हुए सभी टॉयलेट्स का निर्माण किया। स्वच्छ विद्यालय अभियान ने बदलाव का नया अध्याय लिखा है। आरईसी ने 12,379 शौचालयों के निर्माण के अपने मकसद को पूरा कर लिया है। यकीनन ये 12,000 शौचालय लाखों लड़कियों की शिक्षा हासिल करने के मकसद को पूरा कर रहे हैं। हमारे द्वारा शौचालय जो बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी 1 साल तक जिस एजेंसी ने बनाए हैं उसी को मेंटेन करने की है। वो इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेंगे
और एक साल तक उसका रखरखाव करेंगे। स्कूल जाने वाली छात्राओं का कारवां बढ़ने लगा है। हर जगह स्कूलों में छात्राओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सभी विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है टॉयलेट बनने के बाद, तो ये एक बड़ा नेक काम है और समाज के लिए और हमारी लड़कियों को की संख्या विद्यालयों में बढ़ाने के लिए टॉयलेट बनाकर हमने एक बहुत ही नेक काम किया है। हमारे विद्यालय में 3 शौचालय बने हैं जिनमें से 2 शौचालय बालिकाओं के लिए बने हैं और अब बिल्कुल यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो रही है। हमारे स्कूल में शौचालय बन जाने से हम लोग को बहुत फायदा मिलती है और हम लोग रोज डेली स्कूल आते हैं। माय स्पेशल थैंक्स टू ऑल टीम ऑफ REC, उन्होंने इतना अच्छा टॉयलेट हमारे जिले में प्रोवाइड किया। थैंक यू REC। अम्मा मैं चलती हूँ, बाहर सीमा बबीता खड़ी होंगी। अच्छा अच्छा माँ, आपको एक बात बतानी थी, हमारे स्कूल में नया शौचालय बन गया है। अरे वाह, अच्छे सुन, अपना ध्यान रखना और समय पे घर आ जाना। ठीक है अम्मा। सीमा, अब तुम रोज स्कूल आएंगे, हमारे स्कूल में नया जो शौचालय बन गया है, और बबीता तू भी आइयो रोज स्कूल, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय अभियान ने लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा है, केंद्र सरकार के सपनों में रंग भरे हैं। ये तो आगाज है, अभी बहुत दूर जाना है। स्कूल भी देखो सबको बुलाते, अब सब दौड़े दौड़े आते, चेहरों पर आई खुशहाली, खत्म हो रही गांव की बदहाली, नए सपनों ने सबको अब पुकारा है, अब सारा आकाश हमारा है, अब सारा आकाश हमारा है।